पुलिस की वर्दी फिर तब्दील होगी। आईजी पंजाब का बड़ा फैसला, कहते हैं मौजूदा वर्दी आरामदेह नहीं है, डिजाइन यही रहेगा, रंग बदलेंगे। नाजायज बातें, जो नाजायज काम, नाजायज सिफारिशें, नाजायज एसएचओ लगना, ल्यूक्रेटिव पोजीशंस को आइडेंटिफाई करके उसके पीछे भागना, दैट आई विल नॉट परमिट। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। यू विल फाइंड मी लाइक ए रॉक। आप करवा के देख ले जितनी मर्जी सिफारिशें करवा लें। हम तो इधर बैठ के पॉलिसियां बनाते हैं, हम तो ट्रांसफरें करते हैं, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, बगैर सोचे समझे किसी को बकर भेज दिया, किसी को जहानिया भेज दिया, किसी को लैया भेज दिया। पुलिस की वर्दी तो फिर तब्दील हो गई है, इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे उमर जावेद से। जी उमर बताइएगा, नया आईजी आए हैं और नई तब्दीलियां शुरू हो गई हैं। पुलिस की वर्दी फिर तब्दील हो गई है, आईजी पंजाब का बड़ा फैसला है, कहते हैं मौजूदा वर्दी आरामदेह नहीं है, डिजाइन यही रहेगा, रंग बदलेंगे। उमर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। उमर बताइए इस बारे में। तो उसको बुलाया था, इंस्पेक्टर्स हैं जो एसएचओ लगते हैं थानों के अंदर, 700 से ज्यादा थाने हैं पंजाब के अंदर, उन सबका दरबार किया था आईजी ऑफिस में। और यहाँ पर एक सवाल उठा के वर्दी के हवाले से, तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि इस अभी रेफरेंडम करा लेते हैं। उन्होंने तकरीबन 1000 मौजूद जो पुलिस अफसरान और दीगर अहदेदारान थे उनको कहा कि जो वर्दी के हक में है वो खड़े हो जाए और जो वर्दी के खिलाफ है वो खड़े हो जाए। तो तकरीबन 95% लोगों ने मौजूदा वर्दी की, पंजाब ने कहा कि इस वर्दी को तब्दील कर दिया जाता है। हम तमाम जो स्टॉक के अंदर वर्दी है उनको देख एक यूनिट जो सिर्फ वो वाली वर्दी पहनेगी और बाकी तमाम फोर्स के लिए अपने जो बजट है और फंड है उनको देख के इस वर्दी को चेंज कर देते हैं। और ये फैसला भी किया गया है कि वर्दी पुरानी होगी लेकिन पैटर्न वर्दी का जो है वो नई वर्दी, जो ऑलिव ग्रीन वर्दी का पैटर्न है उसी को रखा जाएगा, सिर्फ इसका कलर जो है वो पुराना कर दिया जाएगा, यानी काली और खाकी पैंट जो है वो उसको जल्द नाफिज कर दिया जाएगा दोबारा।